नवरात्रि का पहला दिन आज हम कहानी सुनेंगे माता शैलपुत्री की एक कहानी शुरू होती है देवी सती से सती भगवान शिव की पत्नी थी और राजा दक्ष की बेटी लेकिन दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे एक बार दक्ष ने बड़ा यज्ञ किया और सभी देवताओं को बुलाया लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया सती ने शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि दक्ष का इरादा अच्छा नहीं है पर सती ने फिर भी अपने पिता के यज्ञ में जाने का फैसला किया जब सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो दक्ष ने भगवान शिव के बारे में बुरा भला कहा सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और दुखी होकर खुद को यज्ञ की आग में समर्पित कर दिया सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव का गुस्सा फूट पड़ा उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजा जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और पूरी सृष्टि शोक में डूब गई लेकिन सती का अंत यही नहीं हुआ उन्होंने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया इस बार उन्हें शैलपुत्री कहा गया शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब है बेटी इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री उनका बचपन शांत और दिव्यता से भरा था उनके भीतर विशेष आस्था और शक्ति थी जिससे वो बचपन से ही पूजनीय बन गई शैलपुत्री ने अपने पिछले जन्म की यादों को संभाल के रखा था और भगवान शिव को फिर से पाने के लिए कठिन तपस्या की कई सालों तक उन्होंने बिना अन्न जल के केवल हवा का सेवन करके तप किया उनकी कठोर साधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया इस तरह शैलपुत्री और भगवान शिव का विवाह हुआ उनकी तपस्या और समर्पण का यह उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और दृढ़ निश्चय से कुछ भी हासिल हो सकता है शैलपुत्री सिर्फ नारी शक्ति का प्रतीक नहीं है बल्कि साधना समर्पण और साहस की मिसाल भी है नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है क्योंकि वो शक्ति का मूल स्रोत मानी जाती है उनके आशीर्वाद से भक्तों को हिम्मत और धैर्य मिलता है हर साल नवरात्रि के पहले दिन जब हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो हम उस अद्भुत शक्ति और आस्था को याद करते हैं जो हर स्त्री के अंदर होती है देवी शैलपुत्री हमें सिखाती है कि अगर दिल से समर्पण किया जाए तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं तो आइए इस नवरात्रि में देवी शैलपुत्री से शक्ति और शांति का आशीर्वाद मांगते हैं जय माता दी